हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिम जिम स्टैंडर्ड टू, उसमें चैप्टर नंबर टू, भालू ने खेली फुटबॉल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोरी दी गई है भालू ने खेली फुटबॉल, वो देखते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, यानी कि सर्दियों का मौसम था, ठंडी का मौसम था और सुबह का वक्त था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दियों का मौसम था, सुबह का टाइम था और चारों ओर कोहरा ही कोहरा, यानी कि कोहरा वो हम कहते हैं ना झाकर जैसा, वहाँ पे पानी हमें कुछ दिखाई ना दे, अगर कोहरा हो तो उससे हम क्या होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। और एक शेर का बच्चा था, वो सिमट कर गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, यानी कि उसे बहुत ठंड लग रही थी तो शेर का बच्चा था वो जामुन के पेड़ के नीचे सो गया था। इधर भालू साहब शेर पर निकल तो आए थे लेकिन बचता रहे थे, तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। इधर भालू साहब शेर पे तो निकल आए कि वो ऐसा लगे कि चलो कुछ घूम के आता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा ठंडी थी इसलिए अब वो बचता रहे थे कि मैं क्यों यहाँ पे घूमने के लिए आया। तो उन्होंने जामुन के पेड़ के नीचे कुछ उसकी नज़र है वो नीचे पड़ी। आंखें फैलाई अकल दौड़ाई, यहाँ फुटबॉल। आंखें फैलाई यानी उन्होंने देखा, देखे यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहा है ऐसा फुटबॉल जैसा ये हो गया है बच्चा, और अकल दौड़ाई कि क्या होगा ये, तो ये फुटबॉल होगा ऐसा वो उन्होंने सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए, यानी इसे खेलते हैं ना तो क्या होगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा इसलिए मुझ में क्या होगा, गर्मी आ जाएगी। आओ देखा न ताओ, यानी कि कुछ देखे और समझे बिना आओ देखा न ताओ। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को, और भालू जी ने क्या किया, देखे यहाँ पे पैर से बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाली पकड़ ली। हड़बड़ी यानी अभी उसे हड़बड़ी हो गई ये क्या हुआ, और उसने क्या किया, दहाड़ की ओर डाली है यहाँ पर, देखिए एक पेड़ की डाली के ऊपर वो पकड़ ली। जब भालू ने क्या किया, भालू ने पेड़ मारा तो वो एक डाल की झाड़ी जो वृक्ष पेड़ है उसकी डाली उन्होंने पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। लेकिन क्या हुआ कि डाल वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, और भालू है वो चतुर था इसलिए उसे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। और फिर भालू को पता चल गया कि ये फुटबॉल नहीं था, ये तो शेर का बच्चा था, तो अभी वो क्या गए, दौड़ कर चले गए फुर्ती से और दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उस भालू के बच्चे को पकड़ लिया। देखे यहाँ पर भालू है वो जा रहा है शेर के बच्चे को पकड़ने के लिए। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। अरे भालू ने उसे पकड़ा तो शेर का बच्चा ऐसा बोला कि आप फिर से मुझे उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। और फिर क्या हुआ कि भालू है उन्होंने उछाला बच्चे को, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार वह शेर के बच्चे को उछालने लगे। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया। शेर के बच्चे को क्या हुआ, बहुत मस्ती आ रही थी, मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था कि वो थोड़ी देर आकाश में उड़ रहा है, वही नीचे आ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन भालू है वो कैसा था, भालू है वो थक गया था। ओह किस आफत में आ फंसा,
कालू ने अपने आप को एक बोला कि यहाँ मैं कहाँ फंस गया। बार भी बार उछालते भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। और बार बार उन्होंने उसको उछाला और बार भी बार उन्होंने उछाल कर वो अपने घर तक भाग गया, दौड़ लगाई, गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम किए जमीन आ गया और डाल भी टूट गई। अब क्या हुआ कि शेर का बच्चा, उसे जो उछालने में बहुत मजा आ रहा था तो भालू ने उसे छोड़ दिया और भालू अपने घर पर चला गया तो डाल टूट गई और वो नीचे गिर गया। तब भी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। और क्या हुआ, तब भी जो माली है यानी जो गार्डन की रखवाली करता है वहां आया और शेर के बच्चे को बरस पड़ा यानी उसे डांटने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना, यानी कि पेड़ की डाल तोड़ दी, लाओ पैसे दे दो इसके। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लू। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। शेर के बच्चे ने बोला कि मैं जरा ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं दे दूंगा। तो माली ने कहा, ठीक है मैं भी अभी आता हूँ। माली के वहां जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, और माली है वहां से चला गया तो शेर का बच्चा भी वहां से भाग गया कि जान हमारी बच गई। कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? सो भालू ने फुटबॉल समझकर शेर के बच्चे को उछाला, इसलिए उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा दहाड़ा क्योंकि भालू ने उसे पैर मारा था या फिर लात मारी थी। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब है वो उस बात पर पहुंचाए कि मैंने देखे बिना ही शेर के बच्चे को लात मार दी। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में फंस गया? क्योंकि वो शेर का बच्चा है, उसे वो बार बार उछलने में मजा आ रहा था लेकिन भालू थक गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ देखते, तो देखिए पहले पढ़ना पड़ेगा हमें सब। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब शेर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो पहले क्या हुआ, ये हुआ भालू साहब है वो शेर करने के लिए निकले, तो आपको यहाँ पे एक लिख देना है। उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, यहाँ पे 2 लिखना है। उसके बाद शेर के बच्चे ने डाल पकड़ ली, यहाँ पे 3 लिखना है। उसके बाद भालू ने शेर को बच्चे को लपक लिया, यहाँ पे 4 लिखना है। और भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, यहाँ पे 5 लिखना है। क्या होगा अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होगा? तो वो नीचे गिर जाता और उसको चोट लग सकती है। शेर का बच्चा 9-2-11 न होता तो माली है उसे पकड़ लेता। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी बोलकर दिखाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शेर के दहाड़ने की आवाज है यहाँ पे करनी है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके दिखाओ। देखिए यहाँ पे जो नीचे काम है वो हम बार बार करते हैं। देखिए लपकना, कंघी करना, डब्बे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना और धूले कपड़े निचोड़ना, तो ये सब एक्टिविटी आप घर पे कीजिएगा। उसके बाद शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या सुनाया होगा बताओ? तो शेर जाकर, जो शेर का बच्चा था, उसने ऐसा कहा होगा कि मैं जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था, एक उसमें एक भालू आया, उसने मुझे फुटबॉल समझकर पैर मारा तो मैं वृक्ष के डाल पर पहुंच गया और वहां से नीचे ही गिरने वाला था, फिर भालू ने मुझे बचा लिया और मुझे, मैंने उसे कहा कि आप मुझे उछालो, मुझे मजा आ रहा है, तो भालू है उछालने लगा। बाद में भालू ने बार बार उछाल कर मुझे छोड़ दिया और माली आया और मुझे पकड़ने लगा, लेकिन मैंने बोला कि मैं ठीक हो जाऊं। बाद में माली ने कहा कि तुम्हें मुझे हर्जाना देना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि मैं
ठीक हो जाऊं उसके बाद हर्जाना दे देता हूं, और वो वहां से भाग गए, ऐसा कहा होगा। खेल खेल फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? तो फ्रेंड्स, फुटबॉल है वो कैसे खेला जाता है? तो फुटबॉल है वो लात मार कर खेला जाता है, यानी फुट, हमारे फुट जो पांव की फुट होते हैं उससे खेलते हैं, इसलिए उसको फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहला है पिट्ठू, तो क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल। तुम्हारी समझ से ठंडी से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था, क्योंकि गोल मटोल सिमट कर बैठने से ठंडी कम लगती है। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी बोर्ड में जाकर बैठ सकता था अपने घर पे, या फिर कहीं पे आग जलती हो तो वहां पास में जाकर वो बैठ सकता है, ऐसे वो ठंड से बच जाएगा। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से खाली जगह को कह रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उछालने को, यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है, देखिए। तो शेर का बच्चा फिर से क्या कह रहा था? उछालने के लिए ही कह रहा था। पेड़ की एक डाल छोड़ दी, यहाँ पे आएगा। पिट्ठ को सतोलिया भी कहते हैं। अभी आगे ठंड से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? निशान लगाओ या फिर करते हो, दौड़ लगाते हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, रजाई ओढ़ते हो, आग को आग तापती हो, ठंडा पानी पीते हो, गर्म पानी पीते हो, गर्म 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 चाय पीते हो, जो भी आप करते हो यहाँ पे आपको राइट करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा लेसन नंबर 2 है भालू ने खेली फुटबॉल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स, थैंक यू।